In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Pa. Dosto Pa, jo release hui thi 4 December 2009 ko. Aur ye ek Bollywood comedy drama film hai jisko 5 mein se 3.5 star ki rating di gayi thi. Iske director aur writer hai R. Balki. Iske producer hai Mahanayak Amitabh Bachchan aur unke bete Abhishek Bachchan. Baat karte hain cast ki. Isme Mahanayak Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan, Vidya Balan aur परेश रावल लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. इसके अलावा फिल्म के अंदर और भी कास्ट नजर आई थी. अब बात करते हैं कलेक्शंस की, लेकिन उससे पहले बता दें कि रियल लाइफ में क्या है, यानी सच्ची जो ट्रू लाइफ है उसमें क्या है. जो अमिताभ बच्चन और जो अभिषेक बच्चन है वो एक फादर सन की जोड़ी है, लेकिन इस फिल्म के अंदर इसका बिल्कुल अपोजिट रोल है उन दोनों का. फिल्म के अंदर क्या हुआ, जो अभिषेक बच्चन है वो अमिताभ बच्चन के पिता का रोल निभा रहे थे. चलिए बात कर लेते हैं कलेक्शंस की. फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 31 करोड़ 33 लाख रुपीस का. इंडिया का लाइफ टाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था वो था 43 करोड़ 12 लाख रुपीस का. इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट में 5 करोड़ 81 लाख रुपीस की कलेक्शन की थी. और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 48 करोड़ 93 लाख रुपीस का. फिल्म का बजट है 15 करोड़ का, यानी 15 करोड़ का. अब 15 करोड़ के बजट के हिसाब से फिल्म का इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन था 31 करोड़ 33 लाख रुपीस का. उस हिसाब से अगर हम वर्ल्ड हिट की बात करें यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि पा बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. यानी फिल्म की जो ऑफिशियल वर्ल्ड हिट थी वो थी हिट की. फिल्म के अंदर टोटल 7 गाने थे. अब फिल्म को टोटल अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं, फिल्म को टोटल 43 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था अलग अलग कैटेगरी में, और फिल्म को 43 में से टोटल 24 अवार्ड्स मिले थे. अब बात करते हैं फिल्म की जो बेसिक स्टोरी है. अब फिल्म में जो अभिषेक बच्चन और जो विद्या बालन है वो हस्बैंड वाइफ का रोल निभाते हैं, अमिताभ बच्चन इनके बेटे का रोल निभाते हैं. अमिताभ बच्चन का नाम होता है औरव. अब जो औरव होता है उसको एक प्रोजेरिया नाम की बीमारी होती है. वो एक ऐसी बीमारी होती है जो बच्चे होते हैं बच्चों में होती है, और बच्चे अपनी एज से उनकी जो उम्र होती है अपनी उम्र से 5 गुना ज्यादा बड़े दिखने लग जाते हैं. अब जो अमिताभ बच्चन है यानी जो औरव है उसका एक ही सपना होता है कि वो दिल्ली में जो प्रेसिडेंट हाउस है उसको देखना चाहते हैं. अब उनका ये सपना सिर्फ एक ही आदमी पूरा कर सकता है, जो कि है उनके पिता अभिषेक बच्चन, जो कि खुद एक पॉलिटिशियन यानी पॉलिटिकल मैन होते हैं. अब फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोगों को फिल्म जरूर देखनी चाहिए. फिल्म की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त. अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.